नहीं सर, देखिए झंडा पड़ा है, झंडा लगा हुआ, जिलेबी बांटे हैं एक किलो लेकर, और कहाँ बांटे जान लिया हुआ रोड पर जो हम पब्लिक लोगों को बांटे हैं, गरीब है तो गरीबों में बांटे हैं, हम नेता लोग तो नेता में बांटेंगे ना। और कभी नेताजी जलेबी आके खिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने लिए होते हैं, वो तो उनका खेती है नेतागिरी, जैसे हम लोग का बिजनेस है ये सब्जी, किसान का खेती खेती है, हाँ अति खाना बात उनका खेती हो है, पब्लिक को बुर्बक बनाना, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदि हो, उनका तो खेती है कि हम माने कि खेती में कैसे उपजा ज़्यादा करें, माने हम कैसे मंत्री बने, हम मुख्यमंत्री कैसे बने, यही है और क्या, कुछ नहीं है, पब्लिक को बुर्बक बना देना है। राहुल गांधी अब उसकी नाम ही नहीं लीजिए, और किसी को बोलिए तो ठीक ही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है वो सब्जियों का दाम बढ़ा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ये गलत सोच है, हमारी आपकी गलत सोच है। अब खेत में इस साल चावल गेहूँ होगा ही नहीं तो आदमी खाएगा क्या, कमी पड़ेगी, मांग बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। 15 अगस्त है और आज तमाम देश में जो तमाम लोग हैं वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर आप राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको झंडोत्तोलन का कार्य दिख जाएगा, झंडोत्तोलन का कार्यक्रम दिख जाएगा। अगर आप किसी कार्यालय में जाते हैं सरकारी, वहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम दिख जाएगा। अब ऐसे में देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 77वें में हमने प्रवेश करा है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आपको ये कि ये सब्जी बेचते हुए टोकरियां दिख रही होंगी जो कैरेट है, और इसमें आपको कुछ टमाटर दिख जाएंगे कुछ किलो, उसके बाद से परवल दिख जाएंगे, बैंगन दिख जाएंगे, नेनुआ दिख जाएंगे, उसके बाद मूली और बैंगन वहाँ पर रखा हुआ, मिर्च दिख जाएंगे। मतलब समझिए एक तरीके से कि जो सब्जी वाले भैया हैं इनकी आज कैसे स्वतंत्रता दिवस मनी है, इसको लेकर भी आज हम जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके लिए किन मायनों में स्वतंत्रता दिवस जो है वो खास है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश शाह। अच्छा सुरेश जी, ये बताइए आप आज सब्जी बेच रहे हैं, हाँ। आज कौन सा दिन है? स्वतंत्रता दिवस है, मनाए मनाए से देखिए झंडा पड़ा है, झंडा लगा हुआ, जिलेबी बांटे हैं एक किलो लेकर, और कहाँ बांटे जान लिया हुआ रोड पर जो हम पब्लिक लोगों को बांटे हैं, गरीब है तो गरीबों में बांटे हैं, हम नेता लोग तो नेता में बांटेंगे ना। अच्छा, गरीब गरीब में बांटेंगे। और कभी नेताजी जलेबी आके खिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने लिए होते हैं, वो तो उनका खेती है नेतागिरी, जैसे हम लोग का बिजनेस है ये सब्जी, किसान का खेती खेती है, हाँ अति खाना बात उनका खेती हो है, पब्लिक को बुर्बक बनाना, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदि हो, उनका तो खेती है कि हम माने कि खेती में कैसे उपजा ज़्यादा करें, माने हम कैसे मंत्री बने, हम मुख्यमंत्री कैसे बने, यही है और क्या, कुछ नहीं है, पब्लिक को बुर्बक बना देना है सब पार्टी को, हम ये नहीं बोलेंगे उसकी सब पार्टी वही करते हैं। ये बताइए हमें कि ये सब्जी बेच के आपका जो पूरा जीवन है, यापन है, डेली का जो कार्यक्रम है वो हो जाता है? हो जाता है, दिक्कत सिक्कत चला लेते हैं इसी में। घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में चार लोग हैं। चार लोग? चार एक पांच लोग। पांच कौन कौन है? दो लड़का है, हाँ। एक बहू है, हाँ। एक पत्नी है, एक हम है। अच्छा, तो आप सब्जी बेचते हैं, बेटे की उम्र कितनी है आपकी? बड़ा बेटे की उम्र है 27 साल। जॉब करते होंगे वो भी? नहीं नहीं, जॉब कहाँ, हम लोग जॉब नहीं करते हैं, वो खेती करते, किसानी करते। हाँ हाँ, तो आप एक बात बताइए, आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अब उसकी नाम ही नहीं लीजिए, और किसी को बोलिए तो ठीक ही है। राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री लायक वो नहीं है, नज़र में नहीं है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नाम में प्रधानमंत्री पर बात सुनिए, नीचे ये जैसे कि तेजस्वी हुए, जैसे कि नीतीश कुमार हुए, जैसे कि क्या बोलता है इसमें कौन मोदी है, हाँ ये सब है, तो ये तो मुख्यमंत्री में आ जाते हैं, लेकिन जो वहाँ जो बोल दिए राहुल गांधी। देश में टमाटर से लेके तमाम जो सब्जी है वो महंगी है, ठीक है, तो जनता इससे त्रस्त है, लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है वो सब्जियों का दाम बढ़ा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ये गलत सोच है, हमारी आपकी गलत सोच है। अब खेत में इस साल चावल गेहूँ होगा ही नहीं तो आदमी खाएगा क्या, कमी पड़ेगी, मांग बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। अब यही देखिए, भिंडी और परवल नेनुआ 6 रुपये किलो 5 दिन पहले बेचा हूँ, 6 रुपये किलो, 10 रुपये में 200 में मेरा ठेला भर जाता था, और आज ये 40 रुपये किलो बिक रहा है, ये टेढ़ा वाला, और 6 रुपये बेच टेढ़ा वाला,
और सीधा वाला बेचते थे मैंने कि हम 6 रुपये 10 रुपये पूरा सूख गया होगा नहीं ज्यादा जब ज्यादा जब पैदावार होगी तो अपने आप सस्ता होगी तो अपने देश में पैदावार जो होगा वही ना। अब टमाटर यहाँ माने को हुआ नहीं फसल नुकसान हो गया तो कुछ भी हो गया तो सारे जगह ये तो बात नहीं है कि माने कि न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री उपजा करता किसान किसान को जो होगा वही अब कम पड़ेगा तब अब व्यापारी जो है ये बात नहीं व्यापारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुँचाते हैं सब्जियाँ को अब जहाँ 2 पैसा महंगा हो जाएगा वहाँ भेज दिया अब यहाँ से लालगंज मंडी जाता है लालगंज मंडी हाजीपुर मंडी पटना मंडी से जाता है इसीलिए कि यहाँ से कुछ सस्ता मिलता है गाड़ी भाड़ा कर भेज दिया 150 जो भी क्रेट पड़ा गया टमाटर में। तो आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री के चलते इसमें सब्जी उब्जी के भाव में कोई अंतर नहीं आता? नहीं इसमें सब्जी या कोई भी चीज़ पर हम प्रभाव नहीं डालेंगे नहीं नहीं ये तो गलत सोच है ये तो पार्टी कोई भी पार्टी का ये बकवास है। मान लिया जाए कि आज मोदी के लिए आज कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी वाला बोले कि नहीं कांग्रेस वाले महंगाई की है नहीं इस बात के हम कभी नहीं हमारा उम्र ही 50 पर सब्जी बेचते हुए 20 साल कलकत्ता में रहे। आप कांग्रेस के भी सरकार को देखे होंगे सब देखे हैं देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि कोई भी पार्टी जो हो वो अपने समय में जब विपक्ष में होती है तो सत्तारूढ़ पार्टी को कहती है कि वो सब्जी महंगा है पेट्रोल महंगा है ये महंगा है वो महंगा है। भाजपा भी वही काम करती थी कांग्रेस के समय जब कांग्रेस सत्ता में थी और आज कांग्रेस जब विपक्ष में तो वो भी वही काम करी भले ही अभी सब्जी महंगी है लेकिन एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को पता है कि आखिर सब्जी महंगी क्यों हुई है और जो खरीदने वाले उसमें बहुत से लोगों को पता है कि सब्जी महंगी क्यों हुई है। आपको सबसे अच्छा नेता कोई लगता है कि नहीं लगता है? आप तो पहले बता दें हमको कोई नहीं लगता है क्या चीज में देश के लिए सबसे अच्छा नेता? देखिए प्रधानमंत्री मोदी छोड़कर दूसरा कोई प्रधानमंत्री लायक मेरे नजर में अभी तक है ही नहीं और मेरे नजरिए के अलावे हम गली गली सब्जी बेचने वाला व्यक्ति ये कहेगा। अच्छा एक पहले बात तुम्हें ये जवाब दीजिए एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि मोदी अच्छा है? हम उसके अलावे दूसरा कोई नजर में मेरे है ही नहीं और मेरे क्या जहाँ तक घूमते हैं यही मुझे सवाल मिलता है कि प्रधानमंत्री के लिए वो है। मतलब आप गली गली जाते होंगे बेचने क्योंकि आप इसमें ठेले से लेके जाते हैं तो लोगों का क्या राय है? देखिए लोगों का राय तो हम 90% देखते हैं जातिवाद में कहीं भी जाए पहले बात समझिए बिहार में बिहार की राजनीतिक तो जातिवाद में है लेकिन क्या यही देखते हैं 90% क्या 99% तक कि PM यानी प्रधानमंत्री के लिए जो है मोदी ही अच्छा है और मुख्यमंत्री के लिए फिर मुख्यमंत्री के लिए जब उसका इलेक्शन आएगा तो उसके लिए हम लोग निर्णय लेंगे। अच्छा उसके लिए निर्णय लेंगे प्रधानमंत्री ने मोदी हाँ दूसरा कोई अभी देश को माने बचा ही नहीं सकता है जिस माहौल पर चारों तरफ लड़ाई चला देखिए साधारण रूस और यूक्रेन में चला सब देश बड़ा लड़ गया कूद गया ऐसे वैसे लेकिन कि मोदी ने कभी किसी साइड से एक्शन लिया नहीं लिया अब अपना शांति से पड़ा रहा। हमको अपने से मतलब है अमेरिका वाले तेल के लिए जो कुछ अति बिया कि हाँ हमसे लोगों बोला हम तो मोदी ने साफ जवाब दिया हम बिजनेसमैन है जो सस्ता देगा उसे लेंगे आप रोकने वाले कौन होते हैं? सही बात कह रहे हैं। आप देखिए ये सब्जी वाले हैं और इनको रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसके बारे में इनको जानकारी है उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने किनका पक्ष लिया अमेरिका वालों ने क्या किया इनको सब जानकारी है। एक सब्जी वाला होकर और एक सब्जी वाले होकर देश के मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। आप घर पे बैठे हुए हैं आप वीडियो देख रहे हैं आपकी क्या राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष पटना।